हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में से सम नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो किसी एपी की दो टर्म्स हमें गिवन हैं, जिनमें से 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73, और इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके हमें उस एपी की 31st टर्म यानी कि A31 को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें गिवन है 11th टर्म इज 38, तो इसको हम लिखेंगे A11 इक्वल्स टू 38। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है AN का, कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस फॉर्मूले में अगर हम N की जगह पर ये 11 पुट करते हैं तो 11 माइनस 1 यानी कि ये बन जाएगा A प्लस 10D। तो इसलिए हम यहाँ पर A11 की जगह पर लिख देंगे A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमें यहाँ पर गिवन है कि इस AP की जो 16th टर्म है वो 73 है, यानी कि A16 इक्वल्स टू 73। A16 की जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस 15D, और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड को, जिसके लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हमने इक्वेशन 2 को लिखा, फिर इक्वेशन 1 को लिखा, और इसकी सभी टर्म्स के साइन को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, a माइनस a ये कैंसिल हो जाएगा, 15d माइनस 10d तो ये बचेगा 5d, इसी तरह से 73 माइनस 38 तो ये आ जाएगा 35। फिर जब इस 5 को हम 35 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 35 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 7, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस एपी में जो डी की वैल्यू है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो है 7। अब इस डी को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम यहाँ इस डी को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर डी की जगह पर हमने पुट किया है 7, देन 7 इंटू 10 इज 70, और फिर इस 70 को हम इधर ले आए हैं माइनस में। अब यहाँ पर 38 माइनस 70 इज माइनस 32, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो है माइनस 32। तो इस तरह से हमने इस एपी में ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म को फाइंड किया और डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट किया। और हमें ये कहा गया था इस एपी में फाइंड द 31st टर्म यानी कि A31 को हमें फाइंड आउट करना है। तो A31 के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं A प्लस 30D, जिसमें हम A की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 32 जो हमने फाइंड आउट की थी, और D की वैल्यू हम पुट करेंगे 7। अब यहाँ पर 30 इंटू 7 यानी कि 210, और इस 210 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 178, यानी कि हम ये कह सकते हैं उस एपी की जो 31st टर्म है वो 178 है। इसके बाद सम नंबर 2, तो यहाँ पर हमें गिवन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कि किसी एपी के अंदर टोटल 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12। उसी एपी की जो थर्ड टर्म है यानी कि जो A3 है वो 12 है, और हमें ये कहा गया है कि एंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म, जैसे कि अभी हमें कहा गया था कि एपी के अंदर टोटल 50 टर्म्स है, यानी कि लास्ट टर्म का मतलब ये होगा कि उस एपी में जो 50 नंबर की टर्म है, जो 50वें नंबर की टर्म है, वो है 106। तो इस तरह से यहाँ इस सम में भी हमें दो टर्म्स गिवन है, A3 यानी कि थर्ड टर्म और A50 यानी कि 50th टर्म, और इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है इस एपी के अंदर 29th टर्म को यानी कि A29 को। तो सब नंबर 7 की तरह से ही हम सबसे पहले लिखेंगे A3 इक्वल्स टू 12, और A3 का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं A प्लस 2D, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो कहा गया था कि लास्ट टर्म यानी कि 50th नंबर की जो टर्म है वो है 106, यानी कि A50 इक्वल्स टू 106, तो A50 के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस 49D, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जिसके लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन 2 को लिखा, फिर इक्वेशन 1 को लिखा, और उसकी सभी टर्म्स के साइन को हमने चेंज कर दिया।
अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 49d माइनस 2d तो ये बचेगा 47d, इसी तरह से 106 माइनस 12 यानी कि 94। फिर जब हम इस 47 को 94 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 94 डिवाइड बाय 47 यानी कि 2, तो इस तरह से हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 2, जिसको हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस d को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू हमने पुट की है 2, देन 2 इंटू 2 यानी कि 4, और फिर इस 4 को हम इधर ले आए हैं माइनस में, तो 12 माइनस 4 इज 8। इस तरह से हमारे पास उस ए पी में जो a की वैल्यू है वो आ गई है 8, यानी कि हमने यहाँ पर a फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लिया है और d यानी कि कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें ये कहा गया था कि हमें इस ए पी की 29th टर्म को फाइंड आउट करना है, तो a 29 के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस 28d। इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे 8 और d की वैल्यू पुट करेंगे 2। इसके बाद 2 को 28 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56 एंड 56 इंटू 8 यानी कि 64। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस ए पी की जो 29th टर्म है वो 64 है। इसके बाद सम नंबर 9, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड माइनस 8, तो ये कहा गया है कि किसी ए पी में जो थर्ड टर्म है वो है 4 और जो 9th टर्म है वो है माइनस 8, तो इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके हमें ये बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ जीरो, कि इस ए पी की कौन सी टर्म जीरो होगी। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि इस ए पी में जो एन नंबर की टर्म है वो है जीरो, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमें इस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस ए पी में जो जीरो है वो जीरो कौन से नंबर पे आता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड टर्म इज़ 4 यानी कि a3 इक्वल्स टू 4, और a3 की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 9th टर्म इज़ माइनस 8 यानी कि a9 इक्वल्स टू माइनस 8, और a9 की जगह पर हम लिख देंगे a प्लस 8d, और ये माइनस 8 एज इट इज़, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सोल्व करेंगे, जिसके लिए हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में से। तो पहले हमने इक्वेशन 2 को लिखा, फिर इक्वेशन 1 को लिखा, और उसकी सभी टर्म्स के साइन को हमने चेंज कर दिया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8d माइनस 2d इज 6d, एंड माइनस 8 माइनस 4 ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं माइनस 12। फिर जब इस 6 को माइनस 12 के डिवाइड में हम लिखेंगे तो माइनस 12 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2। अब ये जो d की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में d की जगह पर हमने माइनस 2 को पुट किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4, और ये माइनस 4 जब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में आएगा तो 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो इस तरह से यहाँ इस सम के अंदर a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है माइनस 2, और हमें ये बताना है कि इस ap में जो 0 है वो कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि कितने नंबर पे 0 आता है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि इस ap में जो nth टर्म है यानी कि जो an है वो 0 है। तो अब हम यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे 8, डी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2। अब इसके बाद इस 8 को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, पर जब माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2n, और जब माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 2। इसके बाद ये जो माइनस 2n है ये एज इट इज़, और 8 और 2 को ऐड करके हम लिख सकते हैं 10। फिर इस 10 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आए हैं माइनस में, और यहाँ इस स्टेप में हम माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर 2 को जब हम 10 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 10 डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस ए पी में जो पाँचवें नंबर की टर्म है, जो फिफ्थ टर्म है, वो क्या है, वो 0 है। तो हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। इसके बाद सम नंबर 10, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है द 17th टर्म ऑफ एन ए पी
एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि किसी एपी की जो 17th टर्म है वो उसी एपी की 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। दैट मीन्स उस एपी में 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 7 है, और हमें ये बताना है कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या होगा। तो जैसे कि हमें कहा गया था कि 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है 7, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है a17 - a10 = 7। अब इस 17 की जगह पर हमने लिख दिया है a+16d, ये माइनस का साइन एज इट इज़, और a10 की जगह पर हमने लिख दिया है a+9d, और राइट हैंड साइड में ये 7 भी एज इट इज़। फिर जब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ होंगी, पर क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे ये नेगेटिव का साइन है तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये a भी माइनस में हो जाएगा और ये 9d भी माइनस में ही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर a से माइनस a को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद 16d - 9d, तो ये हमारे पास बचेगा 7d, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 7। तो जब इस 7 को हम 7 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 7/7 यानी कि 1, तो d की वैल्यू 1 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1, और हमें इस सब में कॉमन डिफरेंस को ही फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 5.2 के सम नंबर 7 से लेकर 10 तक। अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।